न्यूज की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट खबरें। खबर उत्तर प्रदेश में भदोही जिले से है। वही भदोही जो काशी व प्रयाग के मध्य बसा है। भदोही अपनी कालीनों की कला के लिए देश व विदेश में विख्यात है। काशी व प्रयाग के मध्य बसे भदोही में सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी भी अपनी छटा बिखेर रहा है। वैसे तो भदोही जनपद में अनेकों मंदिर व देव स्थान हैं, लेकिन भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड पर मूसीलाटपुर गांव में एक शिव मंदिर ऐसा है जिसमें लगभग 400 वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित है। भगवान शिव देवों का देव महादेव कहा जाता है। मूसीलाटपुर के ग्रामीण बताते हैं कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी पुराना है। ग्रामीणों के सहयोग से यहां एक मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसी मंदिर में प्राचीन शिवलिंग स्थापित की गई है, जहां प्रत्येक सोमवार को प्रख्यात कथावाचक पंडित धनेश्वर महाराज जी के श्रीमुख से शिव चर्चा होती है। शिव चर्चा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे भक्त शामिल होते हैं। भदोही से सत्यम न्यूज वेब टीवी की रिपोर्ट। मूसीलाटपुर का यह मंदिर प्राचीन मंदिर है, 400 वर्षों से इसका इतिहास हमारे पूर्वज दादा बाप दादा बता के गए हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां विधानसभा की 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीट पर जीत हासिल करने से उत्साहित समाजवादी पार्टी 31 अक्टूबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश के सभी जिलों में बड़ा आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन करेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र भेजकर सपा संगठनों से जुड़े लोगों से कहा कि जयंती समारोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों की चर्चा करने के साथ ही भाजपा के दुष्प्रचार से भी जनता को आगाह करे। लखनऊ से सत्यम न्यूज वेब टीवी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अलग अलग सड़क हादसों में संत कबीर नगर जौनपुर भदोही सहित 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संत कबीर नगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी गोरखपुर जा रही रोडवेज बस गोरखपुर लखनऊ मार्ग पर डीघा गांव के समीप खड़ी एक ट्रक से जा टकराई, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह जौनपुर जिले के शाहगंज उसरहटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक बाइक असंतुलित होकर खड़ी ट्रक से टकरा गई। बाइक सवार सरायखाजा निवासी युवक की जहां मौत हो गई, वहीं बाइक सवार 2 अन्य युवक घायल हो गए। इसी तरह प्रयागराज शाहगंज मार्ग महाराजगंज के समीप आज बुधवार की सुबह स्कूल जा रही एक छात्रा की डंपर से कुचलकर मौत हो गई। इसी तरह भदोही जिले के सूर्यावा क्षेत्र के जगही मार्ग पर छनौरा गाँव के समीप बाइक से गिरकर प्रमिला सरोज नामक महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक महिला प्रयागराज के सराय ममरेज के सिरसा गांव की निवासिनी बताई गई है। सत्यम न्यूज से वेब टीवी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पागल कुत्ते का आतंक दरोपुर उल्लासपुर गुलौरा घमाहापुर में कायम है, जहां आज बुधवार की सुबह पागल कुत्ते ने आधा दर्जन बच्चों को अपना शिकार बनाया, जिसमें दिलीप यादव दरोपुर तथा उल्लासपुर में नीलम नामक बच्ची को जहां इस पागल कुत्ते ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, वहीं गुलौरा घमाहापुर में 4 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। दिलीप व नीलम नामक बच्चे गंभीर रूप से घायल थे, बाकी बच्चे मामूली रूप से पागल कुत्ते का शिकार हुए हैं। दोनों बच्चों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु लाया गया, जबकि अन्य बच्चों का अलग अलग अस्पताल में इलाज कराया गया। पागल कुत्ते के आतंक से लोग खौफ में हैं। भदोही से सत्यम न्यूज वेब टीवी की रिपोर्ट। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आप सत्यम न्यूज।